हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। तो जैसे ही किसी नए ज़िले की वैकेंसी आती है उसी के बारे में अपडेट कर देता हूँ। तो देखो, अभी कई ज़िलों के बारे में आई है तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बागपत के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। जो भी बागपत ज़िला से बिलोंग करते हो, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, balvikasup.gov.in। क्रोम में जाकर आपको ये टाइप करना है, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट पहुँच सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखो, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखो, इस पर क्या है, ये लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, ठीक है। ये लिखा है आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं महिलाओं, ठीक है, एवं सहायिकाओं की, ये सब लिखा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी क्लिक किया है, ठीक है। तो देखते हैं, नया पेज ओपन होने वाला है अभी, ठीक है। तो देखो, ये नया पेज ओपन हो चुका है, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ये ऑनलाइन आवेदन भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश, ठीक है, इसको पहले आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेना। आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, ठीक है, और चयन की कार्रवाई जनपद स्तर से संपादित की जानी है, ठीक है। इसमें सब लिखा है, किसी भी शंका समाधान के लिए जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा दिया है, इसको पढ़ लें, ठीक है। पढ़ने के बाद नीचे आकर आप यस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस पर क्या करना है आपको, जिला, आप कौन से ज़िला से बिलोंग करते हो, तो मैं बागपत की बताने जा रहा हूँ। तो बागपत क्लिक करेंगे, ठीक है। बागपत क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक का नाम डालना है, आप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो मैंने ब्लॉक डाल दिया, मान लो ये, ठीक है, ये ब्लॉक डाल दिया। इसके बाद आप ग्रामीण की शहरी, तो ग्रामीण कर दिया, ठीक है। ग्रामीण के बाद ये ग्राम सभा, तो ग्राम सभा, इतनी ग्राम सभा, इसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ, ठीक है। अपनी ग्राम सभा लेनी है आपको, और फिर पद का नाम। तो देखो, पद का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, दो दिए हैं इसमें, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। तो इसमें मैंने पहला सहायिका ले दिया, ठीक है। अब आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखो, जनपद का नाम लिखा है, ठीक है, बागपत। ग्रामीण शहरी, तो ग्रामीण है, ठीक है। आंगनवाड़ी सहायिका है पद का नाम। और आगे देखो, इसकी जो आरंभिक डेट है, मतलब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 11 तारीख से, और जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है। रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र कोड, ये कोड है रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ये ध्यान रखना, केंद्र का नाम क्या है, ठीक है, ये वाला। और श्रेणी एक एक है, मतलब एक एक पद है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे इस तरह का नया पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अपना पहले मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जन्म तिथि, और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे बनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भरना है, यहाँ पे जन्म तिथि और इससे ऊपर मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर सेंड ओटीपी पे करना है। सेंड ओटीपी पे करने के बाद आगे देखते हैं अभी, ठीक है। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, बाल विकास सेवा एवं पोस्टाहार विभाग। यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है, अभी ओटीपी नहीं आया है, ठीक है। देखते हैं कितनी देर में आएगा, तो अभी ओटीपी नहीं आया, ठीक है, देखते हैं। और रुको एक मिनट, तो अभी देखो मुझे लग रहा है साइट का इशू है कुछ, अभी ओटीपी नहीं आ रहा है। तो जब ओटीपी आएगा तो मैं फॉर्म पूरा फिल करने बता दूंगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको यदि पूरा फॉर्म फिल करना देखना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी तो ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, जब ओटीपी आने लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।